हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शोभनी। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ब्यूटी से रिलेटेड बहुत कुछ ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो। तो आज की जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ वो आपकी आईब्रो को, जो आपकी आईब्रो से लेकर आपको जो भी प्रॉब्लम है, उनमें थिकनेस नहीं है, उनमें हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, उसी से रिलेटिव है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो उनकी आईब्रो है पता नहीं क्यों पतली, दिन पे दिन पतली होती जाती हैं, या और पतली होने के बावजूद उनमें जो हेयर ग्रोथ है वो नहीं होता है। तो मैं उसके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ बहुत सिंपल है, लेकिन आपकी रेमेडी 101% वर्क करेगी। केवल 3 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 चम्मच कच्चा दूध। ये कच्चे दूध में, क्योंकि लैक्टो एसिड होता है जो हमारी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए आपको चाहिए कच्चा दूध। आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं, भैंस का हो वो भी ले सकते हैं, जो आप यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। केवल आपको कच्चा दूध ही लेना है, और साथ साथ लेना है 1 विटामिन ई, और 1 चाहिए आपको विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल के बेनिफिट्स तो आप जानते ही होंगे। विटामिन ई कैप्सूल से हमारी जो स्किन से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है। पिंपल्स वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है, स्किन में शाइनिंग भी होती है, और साथ साथ जो हमारी हेयर ग्रोथ है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको हेयर से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो आप विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ कीजिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो हमको लेना है 1 चम्मच दूध और 1 विटामिन ई कैप्सूल। तो यहाँ मैं विटामिन ई कैप्सूल की 3 से 4 ड्रॉप इस दूध में ऐड करूँगी, क्योंकि 1 चम्मच दूध के लिए इतनी ड्रॉप बहुत हैं। और इसके बाद आप चाहें तो किसी चम्मच की हेल्प से, और चाहें तो ऐसे ही फिंगर्स की हेल्प से डाल मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ आधा कैप्सूल ही डाला है, आपको भी इतना ही कैप्सूल डालना है। इसके बाद इसको मैं चम्मच की हेल्प से मिक्स कर दूँगी। हमारा दूध ठंडा है या कहीं कच्चा है, इसलिए जो विटामिन ई कैप्सूल है वो ठीक तरीके से ऐसे मिक्स नहीं होगा। तो आप फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद इस रेमेडी को आपको पर नाइट यूज़ करना है। इसका रिजल्ट केवल आपको 3 दिन में ही देखने को मिलेगा। जो आपकी आईब्रो हैं उस पर धीरे धीरे बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी जो आईब्रो हैं वो भी अच्छी शाइनिंग और थिक होने लगेंगी। और इस रेमेडी को आप स्टोर करके फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि कच्चा दूध है। फ्रिज में रखने से ये रेमेडी आपकी ख़राब नहीं होगी। और इस जब भी आप इस रेमेडी को रात को अपनी आईब्रो पर अप्लाई करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से पहले आप इससे मसाज कीजिए, और उसके बाद इसको अप्लाई रहने दीजिए और रात को सो जाइए। और सुबह उठने के बाद नॉर्मल वाटर से जैसे फेस वॉश करते हैं वैसे ही आपको फेस वॉश कर लेना है। केवल 1 हफ्ते में ही आप देखेंगे आपकी जो आईब्रो है काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है, उनमें अच्छी खासी ग्रोथ होने लगी है। इस रेमेडी को मैं आप लोगों के साथ अपने पर्सनल यूज़ के बाद ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कोई आईब्रो से लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कहीं उनकी जो थिकनेस में कमी हो जाती है तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, जिससे अच्छी खासी मेरी आईब्रो मोटी हो जाती है। उसके बाद मैं कोई भी न्यू शेप अपनी आईब्रो पर दे देती हूँ। तो ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।